इन दिनों दुनिया भर के क्रिकेटर अपने अपने घरों में हैं और कोरोना वायरस की वजह से घरों में टिके हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्रिकेटर भी हैं जो घरों में बैठकर पूरी दुनिया को व्यस्त रखे हुए हैं। जी हाँ, शेन वार्न की बात कर रहा हूँ मैं, अपने ज़माने के महान लेग स्पिनर, और उन्होंने अभी दो रोज़ पहले ही भारतीय टीम बनाई उन्होंने अपने प्लेइंग डेज की। उन्होंने कहा जब तक वो खेलते थे जिन दिनों में, उन दिनों भारत की जो जितने खिलाड़ियों का उन्होंने सामना किया उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 उन्होंने बनाई, और उसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम बनाई, और अब उन्होंने पाकिस्तान की टीम बनाई है अपने प्लेइंग डेज की। 1992 में उन्होंने डेब्यू किया था, और उसके बाद से जितने समय तक उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को फेस किया, उनको खेला, उनकी एक उन्होंने बेस्ट टीम बनाई है, जिसमें उन्होंने ओपनर के तौर पर रखा है आमिर सोहेल को और सईद अनवर को, और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने मोहम्मद यूनिस खान और इंजमामुल हक को रखा है, और विकेट कीपर के तौर पर उन्होंने मोइन खान को टीम में शामिल किया है, और उसके अलावा उन्होंने 3 फास्ट बॉलर लिए हैं, वकार यूनिस, शोएब अख्तर और वसीम अकरम। वसीम अक्रम को इस टीम का कप्तान बनाया गया है, और 2 स्पिनरों को शामिल किया है, लेग स्पिनर के तौर पर मुश्ताक अहमद और ऑफ स्पिनर के तौर पर सकलेन मुश्ताक को उन्होंने टीम में शामिल किया गया। ये है उनकी टीम, इसमें कोई शक नहीं, कोई विवाद की गुंजाइश बहुत ही कम है इसमें, क्योंकि जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं पाकिस्तान पे, जिस पर जो किसी भी दुनिया की टीम में जगह बनाने की स्थिति में है, उन सबको उन्होंने शामिल किया है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ दो कमियाँ हैं। एक तो इसमें कोई ऑलराउंडर नहीं है, और दूसरे आमिर सोहेल बड़े खिलाड़ी रहे हैं, नो डाउट, बहुत बड़े बड़ी उन्होंने पारियाँ भी खेली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनसे बेहतर खिलाड़ी भी बतौर ओपनर टीम में जगह बनाने की स्थिति में थे। इसमें वैसे तो हनीफ मोहम्मद अपने ज़माने के बेहतरीन बल्लेबाज, जिन्होंने 499 रन की पारी भी खेली, उनके साहबजादे शोएब मोहम्मद, और हालांकि ये सब पुराने समय के खिलाड़ी हैं, मुदस्सर नज़र, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, बहुत उम्दा बल्लेबाजी, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, लेकिन जो उनके कार्यकाल के दौरान जिसने बल्लेबाजी की है बतौर ओपनर, उसमें रमीज़ राजा भी आते हैं, लेकिन मैं इस टीम में शामिल करना चाहूँगा सलीम मलिक को, आमिर सोहेल की जगह पर सलीम मलिक। ठीक है, आमिर सोहेल ने बहुत बड़ी बड़ी पारियाँ खेली हैं, 2 पारियाँ तो उनकी 160 रन के आसपास की पाकिस्तान में ही उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाई खेली, और उसमें उन्होंने अपनी टीम को जीत भी दिलाई। इसके अलावा अगर वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ उन्होंने बड़ी बड़ी पारियां खेली हैं, तो उसका मैच का परिणाम जो है पाकिस्तान के पक्ष में नहीं आ पाया, मैच ड्रॉ रहे हैं ज़्यादातर। लेकिन सलीम मलिक की बात करें तो सलीम मलिक ने जितनी पारियां खेली, बड़ी पारियां खेली, उनमें काफ़ी मैच उन्होंने अपनी टीम को जिताए। 1983 का मुझे याद है, फैसलाबाद में मैच हुआ था भारत के खिलाफ, और उसमें उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, अपनी टीम को जिताया। कैनिंगटन ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 90s में एक अच्छी पारी खेली, सेंचुरी बनाई, और दूसरी पारी में भी चमके थे, उसमें भी उन्होंने अपनी टीम को जिताया। और तो और न्यूजीलैंड में जाकर अगर आप कोई सेंचुरी बनाते हैं और अपनी टीम को जिताते हैं, उसके मायने तो कुछ और ही हो जाते हैं, विशिष्ट हो जाते हैं, आप विशिष्ट खिलाड़ी बन जाते हैं। तो विदेशों में जाकर अपनी टीम को जिताना बहुत मायने रखता है, तो इस मामले में मैं समझता हूँ कि सलीम मलिक उनकी जगह होते तो बेहतर होता। इमरान खान हालांकि करियर के आखिरी दौर में थे जब शेन वार्न ने डेब्यू किया, और शायद इसीलिए उन्होंने टीम में शामिल नहीं किया, उनको उस लाइक ऑलराउंडर नहीं मिला कोई, लेकिन मिसबाउल हक को टीम में शामिल नहीं किया गया, लेकिन सवाल है कि खेलेंगे तो 11 ही, अगर वो 12 की टीम बनाते तो मैं मिसबाउल हक को ज़रूर रखता, कि ज़रूरत पड़ने पर आप किसी को भी प्लेइंग 11 के अलावा 12वां खिलाड़ी रख सकते हैं। और अगर हम देखें सईद अनवर, जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही वाजिब खिलाड़ी, 194 रन की पारी भारत के खिलाफ जो वनडे क्रिकेट में थी, उस समय भारत के खिलाफ ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पारी थी वो वनडे क्रिकेट की, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने उनका रिकॉर्ड तोड़कर डबल सेंचुरी बनाई थी पहली बार, और उसके बाद वो स्कोर पार हुआ, लेकिन बहुत लंबे समय तक उनका सर्वाधिक स्कोर वनडे क्रिकेट का बना रहा और जो भारत के खिलाफ उन्होंने बनाया था। उसके अलावा जो इन्होंने मोहम्मद यूसुफ को टीम में शामिल किया, 2006 का टाइम मुझे याद है, मोहम्मद यूसुफ तो ऐसे खिलाड़ी थे आउट ही नहीं होते थे, 100 के आसपास का उनका औसत था उस वर्ष, और उन्होंने 1700 से ज़्यादा रन कुछ बनाए थे। यूनिस खान क्या गज़ब का फ्लिक लगाते थे वो, और क्या इंजमामुल हक क्या पुल लगाते थे भाई, बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान, और बाद में सिलेक्टर भी बने, और बहुत बड़ा उनका योगदान रहा वनडे क्रिकेट में भी, टेस्ट क्रिकेट में भी। उसके बाद मोइन खान उस लेवल के बल्लेबाज नहीं थे, विकेट कीपर बल्लेबाज ज़रूर थे, विकेट कीपिंग बहुत ही आला दर्जे की थी, लेकिन बल्लेबाजी में उनका औसत तकरीबन 28 का रहा टेस्ट क्रिकेट में,
और मैं तो ये कहूँगा रशीद लतीफ़ को इसके लिए पूरे अंक देने चाहिए कि रशीद लतीफ़ ना होते तो मोइन खान एक अच्छा कम्पीट ना करते, और मोइन को जो अवसर मिले चाहे वो कोच के तौर पर हों चाहे वो कप्तान के तौर पर हों, बहुत अवसर मिले उन्हें। लेकिन वही है कि उस लेवल का विकेट कीपर बल्लेबाज जैसे महेंद्र सिंह धोनी रहे भारत में, हालांकि टेस्ट क्रिकेट में भी उनकी पारी भी बहुत लंबी नहीं चली, लेकिन मोइन खान के पास या पाकिस्तान के पास उस लेवल का विकल्प नहीं था कि एक विकेट कीपर बहुत अच्छा बल्लेबाज हो, आला दर्जे का बल्लेबाज हो, जिसका औसत भी 40 प्लस का हो, ऐसा बल्लेबाज लंबे समय तक वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वसीम अकरम बेहतरीन इन स्विंग बॉलर, और उनकी जो स्विंग थी स्विंग के सुल्तान उनको कहा जाता है, और 1999 का वर्ल्ड कप याद कीजिए जब टीम के वो कप्तान थे और उनकी टीम फाइनल में पहुंची थी। उसके अलावा वकार यूनुस पुरानी गेंद से स्विंग करने के फनकार, और तीसरे रफ्तार के सौदागर शोएब अख्तर इन स्विंगिंग यॉर्कर उनकी बहुत ही खतरनाक हुआ करती थी। सकलेन मुश्ताक जिन्होंने दूसरा इजाद की एक तरह से, जब मोइन अली पीछे से बोला करते थे विकेट के पीछे बैठकर कि भाई दूसरा डाल और वो दूसरा करने लग गए, और ऑफ स्पिनर की दूसरा उनकी बहुत ही खतरनाक बॉल थी। मुश्ताक अहमद जो इंग्लैंड के कोच भी बाद में बने थे और वो बेहतरीन लेग स्पिनर थे, शेन वार्न ने उनको पूरे अंक दिए हैं, उनको टीम में शामिल किया, उनका चुनना बहुत बड़ी बात है क्योंकि शेन वार्न खुद भी लेग स्पिनर हुआ करते थे। तो ये है टीम। बस इसमें मैं यही चाहूँगा कि एक 12वां प्लेयर या तो आप इसमें मिसबाउल हक को रख लें, और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी खिलाड़ी को 12वें खिलाड़ी के तौर पर आजमाएं, और सलीम मलिक को शामिल करें आमिर सुहेल की जगह। हो सकता है कि सलीम मलिक को उन्होंने इसलिए जगह नहीं दी हो कि उन पर एक मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था और उन्हें दंडित भी किया गया था इसके लिए, हो सकता है कि ये भी एक कारण हो, लेकिन बल्लेबाज के तौर पर मेरिट के तौर पर निश्चित तौर पर सलीम मलिक आमिर सुहेल से बेहतर बल्लेबाज रहे। आपकी क्या राय है, अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।